यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन जो मैप है गूगल मैप उसने हमें यहीं तक का रास्ता दिखाया है, और अब हमें आगे कहाँ जाना है हमें कोई आइडिया नहीं है, पर हम चलेंगे, पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि हमने जहाँ जाना है वो झरना है, और झरने मतलब पानी की आवाज़ से तो पता चल ही जाएगा अगर हम पहुँच गए। एक डेढ़ घंटा चलना था हमें आगे, तो एक डेढ़ घंटा दूर तो पानी की आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ढूंढने की। और यहाँ पर कोई वो नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हम कैसे पता लगाएं वो भी सोच रहे हैं। विल फाइंड आउट होपफुली। देखो डस्टबिन तो मिल गया है, लोकेशन भी मिल जाए हमें। ये जगह का नाम है थ्रुंस्ताद और ये लियर में आता है, और हम तो चले अब भी बता भी दें। अपने रास्ते पे हाँ शायद कोई मिल जाएगा, तो अब हम ये स्प्रे लेकर आए हैं साथ में, ताकि हमें कोई यहाँ पर कोई मच्छर कीड़ा कुछ भी ऐसा इंसेक्ट कुछ भी बाइट ना करे। ओके ये जा रहा है इस घर में पूछने। आज यहाँ बहुत गर्मी भी है, टेम्परेचर इज 30 degrees, एंड 30 degrees टेम्परेचर फॉर नॉर्वेजियन वेदर इज टू मच। बहुत गर्म है, हवा बिल्कुल रुकी हुई है। देन भाई जो झरना है उसके नीचे की साइड में पहुंचना है, तो नीचे से जाओ, यहाँ पर डाल के देख, साइड से पहुंचना है तो ऊपर से जाओ, लेकिन अगर कम पानी हुआ तो तुम ऊपर से भी जा करके नीचे जा सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा पानी हुआ तो नीचे जाना मुश्किल होगा। नीचे से छोटा रास्ता है, लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला रास्ता है। ओके या नीचे से सड़क सड़क रास्ता है। यहाँ पे झरने की आवाज आ रही है, लेकिन हम झरने झरने के बिल्कुल भी करीब नहीं है अभी फिलहाल, और हम लंबे रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये रास्ते में आपको अच्छा सा जंगल हरा भरा सा पेड़ पूड़ मिलेगा, और जो दूसरा शॉर्टकट रास्ता है वो बाय रोड है, तो वहाँ पर पक्की सड़क है, और पक्की सड़क में जाने में इतना मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए हम लंबे रास्ते से जा रहे हैं। हाँ मैं वही सोच रही हूँ कि अभी हमें वही चुभने वाला पौधा भी बार बार चुभेगा, क्योंकि हमने शॉर्ट वो पहना है नीचे। वो बोल रहा था कि आगे बाइक का लगा घर मिलेगा, वो गिरने वाला ही ऐसा घर होगा। अच्छा यार फिर ना बहुत स्पूकी लग रहा है। ये शायद से रास्ता ढूंढने के लिए होगा, शायद से, हमें पक्का नहीं पता है, लेकिन हो सकता है लकड़ी टूटने की आवाज़ आई थी हमें, हो सकता है कोई जानवर होगा, हिरन वगैरह कुछ। और ये देखो कहाँ से जाऊँ, सांस ऐसी फूल रही है, इतना गंदा स्टैमिना हो गया कि इतना चल के ही सांस फूल गई है, शेम ऑन अस। हमारा उत्तराखंड भी ऐसा सा ही है, बस हम जा नहीं पाए इतना कभी, पर अब तो जाना ज़रूर होगा, हमारा भी और आपका भी। ये नेचुरल रास्ता कितना अच्छा लगता है ना, पता नहीं क्यों बनाई हुई सड़कों से ज़्यादा अच्छा ये रास्ता लग रहा है। हमें झरना मिल गया है, किसी को मेडिटेट करना हो यहाँ पर कभी आए तो ये है आपके लिए गुफा। आई फाउंड स्ट्रॉबेरी, देयर इट इज। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज हैं, वेट, ये रही एक और। चलो आगे चलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे।
ये देखो एक रास्ता यहाँ है और ये चिल्ला रही है। इसे गोंद बनने वाला यही है क्या जिससे गोंद बनता है? आई थिंक ऐसा सही होता है वो भी, पर यही है मेरे ख्याल से, है ना? मेरे ख्याल से यही है। इसको हम सजा के रखते थे पहले, इस पे डेकोरेट करके। अभी भी हाँ? अब तो उन्होंने और वो कर दिया ना, एडवांस मैंने फेसबुक वगैरह पे देखा था। ओके। वो उसमें ना वो डालते हैं जेल, अक्रिल वाला जेल। हाँ। तो वो क्योंकि जब सूख, जब ठंडा हो जाता है तो वो सूख जाता है ना। ओके। तो और उसके आर पार देख सकते हो, वो ऐसे ऐसे टाइप होता है, तो बाहर से जेल होता है, अंदर ये बंद होता है ऐसा। वाओ। तब जैसा मुझे डिजाइन बना उसका ना। मिल गई मुझे लकड़ी, पर ये तो मुझसे भी बड़ी है। नीचे से पकड़ ले ना, नीचे से पकड़ ले, नीचे से तोड़ ले, थोड़ी सी तोड़ दे। ये देखो बुड्ढी। जय माता दी। यार फोबिया हो गया मुझे। उस साइड जाना है, पानी कैसे पहुंचेंगे क्योंकि ये यहाँ पर से लोगों का घर है, वहाँ पे तार लगी हुई है, लाल पत्थर है, पत्थर लाल क्यों? ये क्या पता, लगता है किसी ने पान खा के थूका। दूर कितना भी जाओ सूल बैग फॉर सन। अब मुझे पूरा यकीन हो रहा है कि ये लाल निशान रास्ता दिखाने के लिए ही है। ओ माय गुडनेस, शायद से ये ब्लूबेरी का के पौधे हैं यहाँ पर इसमें ब्लूबेरी नहीं है कहीं भी, तो श्योर नहीं है हम। लग तो मुझे ब्लूबेरी का ही रहा ये। पर ब्लूबेरी शायद से अगस्त तक आएगी, बहुत लेट आती है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी का खजाना। ओके। मतलब छोटी हैं तो मैं तोड़ना नहीं चाहता अभी। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी ब्लूबेरीज आई हैं, देखना पड़ेगा। हम ऐसे ही देखेंगे क्योंकि अभी पकी अभी राइपन नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा दोस्तों ब्लूबेरीज का मजा लेने में। ओ माय गॉड, ये मैडम जी कहाँ चली हैं सब? चींटियाँ। चलो इससे पहले ही हमारे ऊपर चल पड़े। शिमला चढ़ गया था, काटने लग गया था। मैं अभी शिकार होने वाली थी किमले का। ब्लूबेरीज मिल गई, ब्लूबेरीज मिल गई, जहाँ चाह वहाँ राह होती है। शुभम ब्लूबेरीज पकी हुई। इधर हमें पत्थर में भी ब्लूबेरीज के पौधे मिल जाते हैं और पकी हुई ब्लूबेरीज, और मुंबई में मुझे 500 रुपए से ऊपर ब्लूबेरीज का देना पड़ता है। 300 500। ये पकी हुई है, यहाँ पे किमले हैं बहुत सारे। लेट्स ईट। ऐसे ही पहाड़ी हैं हम, पहाड़ी है फील, पहाड़ी है फील। हाँ
देखना उसमें एक विशाल सिंह थी। हाथ से खाने है ना, मीठे है ना, मीठे हैं आलू। Let's pass and go back. Hi beautiful buddy, yes scary. Oh yeah, yeah. Dekh raha hai. Haan.